अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मदीहा एंड यू आर लिसनिंग टू हाउसवाइफ टेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दिल ठहर जाने का मौसम की एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ। इस नॉवल को लिखा है शाजिया चौधरी ने। लेट्स गेट स्टार्टेड। चूड़ियों की मधुर झनकार, लहजे का लोचदार रेशम, निगाह की खफीफ बिजलियाँ, लताफत व नज़ाकत, नुजहत व शगुफ्तगी से गुंधा सरापा, खिलखिलाता वारफ्ता व पेवस्ता पुरसकून अंदाज, हर हर अदा से टपकता वफा व ईकान का मजहर, मुँह बोलता सबूत, कुछ भी तो इसके पथरीले आसाब पर झड़ने नहीं बहाता था। कैसा शख्स था वो, उलझा उलझा बिखरा टूटा, खुद से खफा, सारे ज़माने से खौफ सदा। इस खौफ और सरासीमगी को बज़ाहिर इसने बुलंद गरजदार आवाज़ और संगीन और सर तासुरात तले छुपा लिया था, खुद पे मास्क चढ़ा लिया था, मगर वो रास पा गई थी और गालिबन यही वक़ार की आसमान तक ऊंची अना के लिए ताजियाना था। कैसी बस्ती है ये, लॉन के घटा टोप अंधेरे में बैठी वो इधर उधर भागती दौड़ती, आज़ादी से डेरा जमाती जुल्मत और खामोशी से पूछ रही थी। बसारतों के यकीन से आरी, समातों की लफ्जिशों पे क़यामत का एतबार रखने वाली, परेशान हाल खुद अपना पता ढूंढती हुई, हवास पाख था, चिलमन से लगी, नकाबों में बंद अना के घोड़े पर सवार होके अपनी हस्ती मिटा डालने वाली। खाला, मैं पिछले 6 माह से अजाब झेल रही हूँ, अब थक हार के आपके पास आई हूँ। आप तो हुसैन फैमिली के शबिस्तान के रमूज से भी वह आगाह होंगी, कुछ बतलाइए मुझे, कोई जुगनू, कोई तितली, कोई रास्ता, कुछ तो बहरे रहनुमाई अता कीजिए। उसने दिल खोल दिया था। हाजरा खाला ताई के अजीज़ों में से थी, रोज़ का आना जाना लगा रहता, एक यही वाहिद हस्ती थी जो शिफ्तल को बहुत बातबार और शऊर व फहम के जेवर से आरास्ता महसूस होती। करीबी स्कूल में सेकंड हेड मिस्ट्रेस भी थी, यकीनन कोई शतरंज का मोहरा उसकी जीत के लिए मुंतखब करने का मशवरा दे सकती थी। सो वो अर्ज़ मुद्दा लेकर इनके घर आई थी, साफ साफ सब कुछ बतला दिया था, जो कुछ इनके साथ हुआ था इस वाक़े का जवाबी रद्द अमल यही होना था। ये बात बाई से ताज्जुब नहीं होना थी अगरचे ये इसके होगर ना होते। हाजरा खाला ने बहुत सुकून से कहना शुरू किया। शिफ्तल ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा मगर बोली कुछ नहीं। सीधी सी बात है बेटा, जो शख्स सारी उम्र पानी की एक एक बूंद के लिए हज़ार बार तरसा हो, इसके सामने यकयक मीठे दूध की नहरें रवा हो जाए, तो क्या आप इससे सब्र व शकीब, ज़ब्र व इकरार, हौसलगी की तवक्को कर सकते हैं। सुगरा आपा ने सारी उम्र अपनी हस्ती साबित करने में फूंक डाली, मियाँ के दिल में घर करने, इसके घर में जगह बनाने, सास की सेवा करके कदम जमाने और नंदों की खुशामद से माहौल बनाने में राख हो गई। तुम्हें खबर है तुम्हारे ताया मरहूम किसी फिल्मी परी से शादी के ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद थे। खाला ने अपनी दानिस्त में धमाका किया। नहीं, वो उछल पड़ी, कहाँ ताया, कहाँ ये मुकाम अल्लाह अल्लाह, वो मुँह खोले हैरानगी से खाला का मुँह तकने लगी। फिर क्या हुआ खाला, तजस्सुस और मामले की पुरसरायत ने उसे अपना मसला भुला दिया था। फिर ये कि हुसैन भाई की मां ने वही रिवायती धमकी दी कि इनकी मुंतखब करदा लड़की रद्द करके कहीं और मुंह मारा तो कुछ खा के मर जाऊंगी और तुम्हारे सर चढ़ेगी मेरी मौत। उन्होंने घबराकर हथियार डाल दिया और सोहरा आपा को ब्याह लाए, मगर इंसानी दिल ऐसी तावीलों से कब बहलता है। दोनों के दरमियान फासलों को तालीम और जहालत के फ़र्क ने मज़ीद तान कर नाकाबिले अबूर बना दिया। हुसैन भाई अपने ज़माने के बड़े आलिम फाजिल लाइक फाइक थे, जबकि सोहरा आपा अपना नाम लिखने पढ़ने की हद तक भी तारीम से कोरी थी। हुसैन भाई ने डॉक्टरेट करी हुई थी। तुम यकीन नहीं करोगी, पूरे 2 साल तक उन्होंने महावरतन भी सोहरा आपा को हाथ नहीं लगाया था। शिफ्तल का मारे हैरत के दिल बंद होने लगा, कैसे कैसे इनके शाफात हो रहे थे। क्या ताई शुरू से ही ऐसी थी, मेरा मतलब है इतनी मॉडर्न, और शिफ्तल ने बेताबी से सवाल दागा था। अरे नहीं, कहाँ भला, खाला ने पुरजोर लहजे में तरदीद की, इनको तो हम छुई मुई और बी बक्कल के नाम से छेड़ा करते थे, जिस तरह की आयशा नहीं है, हू बहू सोहरा आपा इसी की तस्वीर थी। चेहरे से मिस्कीनी, मजलूमियत और बदहवासी के तासुरात इस तरह टपक टपक कर मुखातिब के कल परवार करते कि वो बेसाख्ता जेब में हाथ डालकर इमदाद पर माइल हो जाए। हुसैन भाई इनकी शख्सियत पर दिल खोल के तंज के तीर चलाते, झंझला झंझला कर आग बगूला होकर इन्हें ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग होने को कहते, मगर वो बेचारी क्या करती, उन्हें गाइड करने को कौन बैठा था।
और जो तस्दीक आमेज अंदाज में बदलने पर इसरार करता वो खुद अपनी तरफ से कोई रहनुमा दरीचा वाना करता। नतीजतन इन्हें खुश रखने और आसूदगी फराहम करने के लिए सुखरा भाभी खुद को मज़ीद ज़राए खाक बनाती गईं। लजाजत से वहशत ज़दा होकर मिन्नत समाजत से कदमों में लौट कर हर तरह पिया मन भाने की सही करती। हुसैन भाई जैसा लतीफ़ों पर कैफ हुसन जमाल रखने वाला महज़िब तुरादार आला तालीम याफ्ता बंदा मज़ीद चिढ़ता, इन पर बरसता और खोलता। घर में दो सहबाब की घरेलू सी महफिल जमती तो भाभी को बिहेव करने का ढंग ना आता। बाहर हमरा लेकर जाते तो अपनी घबराहट के सबब मजहका खेज हरकत कर बैठती। घर आए मेहमान से खुश आमदीदी अल्फाज कहते पसीनों में नहा जाती। किसी के रूबरू अर्ज मुद्दा का हुनर तालीम की कमी ने ना बख्शा था। माँ इनकी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी। सास खुद अनपढ़ थी। वो पढ़े लिखे ऊंची नाक वाले तेज़ गुस्से वाले बेटे का कल्बी मुतालबात खसूसन बीवी के वास्ते क्या जान पाती। सोहरा आपा की ज़िंदगी की रही सही खुशियाँ भी तजलील व तौहीन के अता समंदर में डूबती चली गईं, क्योंकि हुसैन भाई के जब्त का पैमाना रफ्ता रफ्ता छलकने लगा था। सरेआम इनकी कोताही पर अबरहमी का मुजाहरा करते, बड़ी महफिल में इनकी अनाखें आपकी ने चकना चूर कर देते। चंद जज्बाती और फिक्री तकाजों के नतीजे में औलाद का सुख सोहरा भाभी की महरूम झोली में आ पड़ा, मगर हुसैन भाई कतई बेनियाज ही रहे। उनकी नाजुक मिजाजी के सबब आखिर दम तक सुखरापा इनके मैार पर पूरा ना उतर सकी। औलाद ने बारहा अपनी आंखों के सामने बाप की गरजते बरसते तेवर और जवाब में मजलूम माँ के अश्के नदामत बहते देखे थे। फितरी बात थी, औलाद माँ से ज़्यादा करीब होती गई। लड़कों की तालीम और तरबियत में तो शायद हुसैन भाई ने कुछ दिलचस्पी दिखाई थी, मगर लड़की से कतई बेगाना रहे। शायद इसकी सूरत में उन्हें सुखरापा झलकती महसूस होती थी। नतीजतन आशी की जैसे इनसे बन पड़ा अपनी फितरत के मुताबिक शख्सियत बना दी। मैट्रिक प्राइवेट कर लिया कि सोहरा आपा का ख्याल था ज़माने की हवा इनकी बच्ची को बिगाड़ देगी। फिर सितम तो ये था कि सानहे के मुजरिम भी इनकी अपनी हस्ती ठहराई गई। हुसैन भाई ने कभी तवज्जो नहीं दी, मुड़कर नहीं देखा कि औलाद किस हाल में है और इस पर घरेलू चिपकलिश के क्या तासुरात मुरतब हो रहे हैं। आज इनकी औलाद जो टूटी फूटी शख्सियतों की मालिक है तो इसका सारा दोष मियाँ बीवी के अजतवाजी गैरियत से लबरेज ताल्लुकात को जाता है। हाजरा खाला तो तवातुर से बोलती हुई जा रही थी, फिर सांस लेने को रुकी। एक एक करके सारी उलझी गिरहें खुलती जा रही थी। फिर ये यकायक तब्दीली क्यों आई ताई के मिजाज में, वो बेचैनी से मुठियाँ भींच कर पूछ रही थी। सुखरा आपा ने सारी उम्र दबके गुजारी थी, अपनी अना को कुचल कर अपनी ज़ात को जलील करके खुद को पस्तियों में दफन करके बिलाखिर तुम्हारे ताया के मतलूब मकाम तक पहुँचने का रास्ता उन्हें मिल गया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुसैन भाई के इंतकाल के बाद वो गोया एक तवील मुद्दत की महरूमी महकूमी और जबरो अजियत की हिसार से आज़ाद हुई थी, वो भी और उनकी औलाद भी। हुसैन भाई ने ज़िंदगी भर इन्हें मान एतमाद और भरपूर इस्तेहकाक से अपने साथ साथ अपने घर के किसी अख्तियार को भी बरतने का हक नहीं दिया था। इनकी नज़र में सुखरा आपा कम अकल जाहिल और अहमक खातून थी। अब जब आज़ादी नसीब हुई तो गैर इरादी तौर पर इनमें ख़ुद को मनवाने अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने का ख्याल आया। ज़िंदगी में ना सही, मौत के बाद सही, वो शोहर के मतलूबा मयार तक पहुँच गई थी। फिर वो इंसान थी, इंसान वो जो बेतौखीरी की उमीख पहनाइयों में भी अपनी साख बरकरार रखने का एहसास पैदा कर लेता है। बस अपनी खुदी अपनी ज़ात का गुरूर बहाल करने के लिए औलाद समेत वो ओंगे बोंगे अहमकाना तर्ज अमल और मसका खेज कदम उठाने लगी। अब इनकी आवाज़ महज अपनी नज़र की कड़कती बिजलियों से दबा देने वाला कोई नहीं था। अब इन्हें हर कदम पर शर्मिंदगी और खजालत से दो चार करने वाला मौजूद नहीं था। अंदर से उठती तौहीना में सदाओं से छुटकारा पाने के लिए वो अंधाधुंध हर वो रविश अपनाने लगीं जो इनके ख्याल और बिसात के मुताबिक इन्हें ठुकराए जाने और महरूम रखने का सबब बनी थी। माँ अपनी अना के जंगलों में भटकने लगी और औलाद अपने मनचाहे रस्तों पर गामजन हो गई। खाला ने मुफसिल तमाम हालात कह सुनाए। शिफ्तल ने तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। वकार के इससे इतने बेजार और बेतना रवैये का सबब समझ में आ गया था। वो दरे पर्दा इसकी शख्सियत की चमकती दमकती रोशन जिया पाश एतमाद की किरणों इसके बेसाख्ता और बेपरवाह अंदाज और इसके सादा और शगुफ्ता तर्ज अमल से मरूब था। शिफ्तल की भरपूर आरास्ता शख्सियतों से कम आएंगे और महरूमी का चुपता हुआ एहसास दिलाती थी। जब वो इससे नरमी का बर्ताव करता उसे अपने माँ बाप का तर्ज अमल याद आ जाता। माँ की बेतौकीदी और तजलील कनपटियों में आग भर देती, अपने हकीकी जज्बात को पसे पुश डालने पर मजबूर कर देती। और ताई का रवैया इतना मुखासमाना क्यों था, ये भी शिफ्तल पर खुल गया।
उन्होंने इतनी तरसी हुई, इतनी महरूम व मोहब्बत और तवज्जो से खाली ज़िंदगी बसर की थी, अब वो अपने सामने एक आसूदा पुरमुतमैन पुरअतमाद जीत का ज़ोमली औरत को बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं पाती थी। हर आन अजियत में रहती कि अगर वो भी ऐसा ही तर्ज अमल अपना लेती तो सर का साया आखिरी लम्हे तक इनसे नाखुश और बेजार हरगिज़ न रहता। उन्हें शिफ्तल की शख्सियत बहुत छाई हुई, बहुत पुरअतमाद, बहुत भरपूर महसूस होती और उन्हें याद आ जाता वही मंजर जब जब ताया के मेहमान दोस्तों की बीवियां भी इस तरह लताफत और नज़ाकत और महज़बाना लतीफ़ लबो लहजे का मुजाहरा करके अपने मियाँ के अहबाब से तौसीफ़ व सताइश वसूल करती थी और ख़ुद वो हवन नकबनी डरी से हमी बौखलाई हुई मियाँ की बरहमी तबा का बाइस बनती। शिफ्तल के वजूद में एक नया अज़्म हुलूल हो गया, इस ख़ानदान को अपनी शनाख्त लौटाने का, खुदशनासी का हुनर सिखाने का। वो बड़े मुस्तहकम कदमों से खाला के घर से रवाना हुई थी। ओफ वक़ार भाई, अब छोड़ भी दें पीछा इस किताब का, बड़े दिल नशीन तबस्सुम से इसने उसकी सिम देखा था। वक़ार ने माथे पर बल डालकर भवें उचकाते हुए सर्द नज़रों से उसे देखा और फिर बेजारी से सर झटक कर अपना साबका काम में मशगूल हो गया। शिफ्तल की मुस्कुराहट गहरी हो गई, धीरे धीरे कदम उठाती इसके करीब आई और बड़े दिल फरेब अंदाज में सर को खम दे के बोली, क्या समझते हैं साहब, नाक भू चढ़ा कर, मुँह सुझा कर, माथे पर लकीरें डालकर आदमी बहुत हसीन लगता है। उसने वक़ार की पेशानी पर गिरे बाल नज़ाकत से अपनी मखरूती उंगलियों से परे किए। एक ऐसा लतीफ़ सा अमल था जो पत्थर में शिकाफ डाल देता, मगर शायद वक़ार हुसैन पत्थर से भी कुछ आगे ही चीज़ था जिस पर इस किस्म की लतीफ़ पुर कैफ शोखियों का मुतलक असर नहीं होता था। माना कि गुस्से का मोनोग्राम रुखे मुबारक पर सजाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, मगर आप कोशिश तो कर सकते हैं। हंसना मुस्कुराना कुछ ऐसा दकीक और पेचीदा अमल भी नहीं, आखिर इंसान ही उसे सर अंजाम देते हैं। यकीन नहीं आता तो मेरी तरफ़ देख लीजिए, बल्कि मुझसे ही सीख लीजिए। देखें यूं, शरारत से जगमगाती खूबसूरत आँखें लिए बड़े शरीर से अंदाज में उसने अपने गुलाबी लब फैलाए थे, दूसरे ही लम्हे एक भरपूर तमाचा उसके मुँह पर पड़ा। बाजारी औरतों की तरह मेरे सामने फनकारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी, मुगुर्रा के बोला था शिफ्तल ने साए साए करते कानों पर से बाल हटाते तमतमाता गाल सहलाया। नहीं, यही वक्त तो इम्तिहान का था। वक़ार, बड़ी जसारत से उसने बाजू थाम लिया था वक़ार का और बड़े आम से अंदाज में मुस्कुरा के बोली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इट इज़ नॉट फेयर, है ना। देखे, जब मियाँ बीवी में नौबत मारपीट और तशद्दुद तक पहुँच जाती है तो रिश्ते का सारा हुस्न, सारी नज़ाकत तबाह हो जाती है। हाकिम व महकूम का ताल्लुक इस्तवार हो जाता है, जबकि शोहर और बीवी के दरमियान एक दोस्ताना सा, बाएतबार और मोहतरम सा रिश्ता, बेतकल्लुफ सा रब्त होना चाहिए। इसी खसूसियत के हामिल शादीशुदा जोड़े को कामयाब और सुरखुरु करार दिया जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि? मैं नहीं चाहता कुछ, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, वो हाँप कर बोला और अपने आप को छुड़ाता दूसरी तरफ मुड़ गया। शिफ्तल के लतीफ़ एहसासात को बड़े ज़ोर का धचका लगा, इसके तो बाप ने भी कभी इतने बदसूरत अल्फाज से उसकी अहानत नहीं की थी, इतने तहकीर और तनफ़ुर में डूबे अंदाज से नहीं झड़का था, हमेशा एक मोहतरम सा खूबसूरत सा एहतराम पेश नज़र रखा था। बहरहाल उसने हिम्मत नहीं हारी और तेज़ी से उसके रस्ते में आ गई। वक़ार, यूं सच्चाइयों से मुंह मोड़कर तो आप ख़ुद को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं, कभी तो मेरी बात सुन लें। देखिए, हमें खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं पूरे इत्माद मोहब्बत और एहतराम के साथ, किसी अहद रफ्ता के दिल दुखा देने वाले ख्वाबों और ख़दशों से बेनियाज। वो इसके शाने पर हाथ रखकर बड़े दर्द से, बड़े यकीन से, खलूस से कह रही थी। वक़ार ने एक लम्हे को सर उठाकर बखौर उसका चेहरा देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की तहरीर सख्त थी। फिर जाने क्या हुआ, कौन सी लहर अंदर से उभरी और वो दीवाना वारिस पर पल पड़ा, लातों घूसों मुक्कों से उसको धुंक के रख दिया। मेरी बात नहीं सुनी थी, क्या कहा था मैंने कि दफ़ा हो जाओ, वो चीख चीख कर कह रहा था। मेरी हुकूमत अदूली करती हो, मुझसे ज़बान चलाती हो, अहमक जाहिल औरत, मुझे पढ़ाती हो, हैसियत क्या है तुम्हारी, हैं तुम हो क्या चीज़। गालिबन तारीख़ अपने आप को दोहरा रही थी, वही अल्फाज, वही अंदाज़ और वही मर्द और जन का किस्सा, वाक़यात और हालात बदल गए थे तो क्या हुआ, मिजाज तो नहीं बदलता ना। विरासत में लिया गया औरत से नफ़रत व बेजारी और तौहीन का एहसास तो ख़त्म नहीं हो सकता ना। कुछ कसूर इसमें खुद अम्मी का भी है, बाबा को हमसे दूर करने में, ठीक है उनका रवैया बहुत नारवा और गुजेरपा था, वो हमसे करीब नहीं रहते थे, मगर
अम्मी ऐसा करने की सही तो कर सकती थी, शायद फासले कम हो जाते। धीमे लहजे में वकास मलूल सा होके कह रहा था। इसके चेहरे पहली दफ़ा शऊर व फहम और संजीदगी के अक्स देखे थे शिफ्तल ने। पापा की ख़ास आदत थी, जब भी हम में से कोई शरारत या गुस्ताखी करता वो हमें डांटने के बजाय अम्मी पर बरस पड़ते, तंज से छलनी कर देते। अम्मी अपनी शामत अमाल से बचने के लिए जो ही बाबा आते हमें इधर उधर कर देती, उनके सामने ना आने देती। मुबादा हमसे कोई ऐसा फेल सरजद ना हो जाए जो उन्हें नागवारे खातिर गुजरे। अगर कभी उनका सामना होता भी तो हम माँ के डरावों पर सहमे खामोश रह जाते। अम्मी हमारे एक मामूली से फेल पर भी बतौर तंबीह बाबा से शिकायत करने की धमकी दे देती। उन्होंने बाबा को ऐसे दहशतनाक रोंगटे खड़े कर देने वाले पुरजलाल रूप में पेश किया था कि हम उनका सामना करने से खुद ही कतराने लगते। इनके मुकाबले हमारी थरथरी छूट जाती और सान खता हो जाते। अपना मुद्दा बयान करना कोहे गिरा सर करने के मुतरादिफ़ महसूस होता। यूँ मुजरिम बने हवास पाख्ता से उनके आगे सर झुकाए खड़े होते, जैसे कोई संगीन वारदात में मुलविस किसी कबीह जुर्म का मुर्तकिब शख्स किसी जाबिर उपुर जलाल फरमा रवा के दरबार में पेश हो रहा हो। हमारी जायज़ बुनियादी ज़रूरतें माँ के ज़रिए उन तक पहुँचनी और इनके अहकाम की झोली भी माँ के ज़रिए से हम तक पहुँचती। इस दूरी की दीवार ने बाप से हमें और बाप को हमसे बदगुमान बल्कि मुतनफ़र कर दिया। वकास हाथ मसलता रवानी से एतराफ़ कर रहा था माँ के जुर्म का। यही वजह थी कि जब आज़ादी मिली तो हम सब ने ख़ुद को तबाह कर लिया। बेपनाह बेतहाशा, दूसरे लफ्ज़ों में अपने बचपन और लड़कपन की महरूमियों, तरसाहट और बेबसी को छुपाने के लिए हमने अपनी अपनी मर्ज़ी के लबादे ओढ़ लिए अपनी शख्सियतों पर। इसका हज़निया मजमहल सा अंदाज़ उसके लहजे की सच्चाई का मज़हर था। शिफ्तल के अंदर उबलते भड़कते तौहीन के अंगारों पर जैसे छींटे से पड़ गए। कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से सारा जहर निकाल दूंगी, इसकी वहशतों को रोशनी की शांति से लबरेज कर दूंगी। क्या हुआ जो मेरा वजूद इसके अंदर की आग बाहर निकालने के लिए निशाना बन रहा है? वो दिल ही दिल में ख़ुद को तसल्ली दे रही थी, नए सिरे से मजबूत कर रही थी, फिर अमन की फाख्ता का रूप धार रही थी। मगर शायद फलक को इसकी इतनी बर्दाश्त इतनी जाज़बियत कुछ भाई नहीं थी। हालात संवरने के बजाय मज़ीद बिगाड़ और इंतशार की तरफ तेज़ी से गामजन होते गए। इस रात भी इसके नीलो नील मजरूब वजूद को रात की अताह तारीकी में अपने करीब करके नफ्स की आग बुझाने के लिए मजबूत आइनी बाजुओं का हिसार ताना तो इसका रुआं रुआं और तस्दील के एहसास से शोला फिशा हो गया। मैं क्यों हर रोज़ की अहानत और जदोकोप के बाद हर रात अपना आप बिना एहतजाज किए इसके हवाले कर देती हूँ? इसकी फितरी आग बुझाने के लिए इतना नाक वाला है तो क्यों बेबस हो जाता है इस समय? इसमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं कि दिन में एक अपनायत आमेज निकाह भी मुझ पर डाल दे कि इससे इसकी खुद ही मजरूह होती है? इसकी नाम नेहात अनापरस्ती का पोल खुल जाता है। ये अमल इसकी कमज़ोरी का आयनादार होता है, इसलिए वो मेरे सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। हालांकि मियां बीवी में मोहब्बत और यगानगत का भरपूर मुजाहिरा कमज़ोरी की नहीं आला ज़र्फ़ी और बुलंद किरदारी का खमास होता है। इस मुकद्दस नूरानी रिश्ते को इंतकाम तशद्दुद और जिनसी तस्कीन के जज्बों से मरबूत कर देना मर्दानगी तो नहीं कहलाता? इसका जहन बरजस्तगी से दलीलें दे रहा था। कुछ सोचकर उसने होंठ भींचे हुए इसके बाजू हटा दिए और दूसरे सिमत करवट बदल ली। वो जानती थी इसमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं कि ज़बरदस्ती बजाम खुद इसकी सिमत बढ़कर फतह करता कि दिल में चोर रखने वाले बहादुरी के एजाज़ से सदा महरूम रहते हैं। एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, दो हफ्ते, इसके बाद वक़ार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रात का गुस्सा भी इसके मुंतकमाना अंदाज में शामिल हो जाता। अजीब अजीब तरह से उसे जहनी कचोके लगाने लगता। बराह रास्त इस बात को तो वो शायद कभी भी कहने की जसारत ना करता। वही मखसूस हथकंडे जो मर्द अजल से औरत का गुरूर और दिल तोड़ने के लिए अख्तियार करता आया है। बेवफाई का इल्ज़ाम, शकूक व शुभात, जिस्मानी और जहनी कारकर्दगी पर तंज, तमस्खर और हर फेल पर शदीद गुस्सा। अना से बेहाल होता शख्स मजीद भपड़ता गया। गैस का तूफान उबल कर फरजानगी की तमाम हदूद क्रॉस करता गया। झंझलाहट, तरसाहट, इंतकाम और बेबसी उरूज पर पहुंचकर इसकी तमाम जहनी तवानाइयां मफलूज करती गई और बिलाखिर बसारत समात का हर असबी खलिया आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और सिर्फ गोयाई की हिसियात दीवानावार होंठों की महर तोड़ती हुई उबल पड़ी और उनसे वो अल्फाज अदा हो गए जिसे सुनने से पहले हर औरत मर जाना पसंद करती है। मुनीर, अब मान भी ले तो मुकद्दर की हकीकत को। मुनीर, अब मान भी ले तो मुकद्दर की हकीकत को। जो है वो भी ज़रूरी है, जो गुज़रा वो भी ज़रूरी था। शफ़क़तों के ख़ज़ीने लुटाता बाप,
दुख का हर रेशा हर किच्ची अपने रग में समो लेने वाली माँ, जान निछावर कर देने वाला जहनियों जिस बाती परेशानियां बटाने वाला भाई, जान निछावर करने वाली बहन, अपनी मासूमियत और शोक तबा से दिल बहलाने के हजार जतन करने वाला छोटा भाई, हर हर तरह से दर्द मिटाने खिदमतें करने वाली भाभी, सब अपने अमल से अपने कौल से उसे यही बावर कराने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी रबिया इसकी दिल दही और दिल जोई की हीरों में ऐसी उलझी हुई थी तो वो थके थके अंदाज में मुस्कुराती, रबिया तुम लोग क्या समझते हो, मुझे नहीं खबर कि हकीकत तस्लीम किए बिना कोई चारा नहीं। मैं जानती हूँ तकदीर का लिखा मिटाने पर ना मैं कादिर हूँ ना तुम लोग। मैं रिवायती पछतावे या मलाल और रंजीदगी से दो चार नहीं, मैं तो सिर्फ हैरान हूँ रबिया इस बात पर कि मैंने तो आज तक ना दानिस्ता भी किसी का दिल नहीं दुखाया। किसी की आँख के आंसू खाम खाम मुझे बेचैन कर देते हैं, बल्कि मैंने तो अपने बदतरीन दुश्मन के बदअंजाम की भी दुआ तक नहीं की कभी। फिर मेरे साथ इतना अजीम जुल्म, इतना ज़बरदस्त नुकसान, खुद अपनी निगाह में गिरा देने वाली तस्लील, मेरा मुकद्दर क्यों ठहरी? क्या इतनी अहानत, ऐसी जानलेवा तौहीन की मुस्तहिक थी मेरी ज़ात? उसने इस्तेहफामिया अंदाज में मुतासिफ़ और गमगीन सूरत लिए रबिया को देखा। रबिया ने आहिस्तगी से उसके शाने पर हाथ रख दिया। इसकी निगाहों में गायत दर्जे का खलूस और अपनायत की चमक थी। नहीं शिफ्तल जी, आपकी ज़ात तो बहुत कीमती, बहुत आला, बहुत नायाब है, मगर कुछ जौहरी गौहरे नायाब की परख नहीं रखते। इनके अनाड़ीपन से खुद इनका अपना नुकसान होता है। इससे हीरे की कीमत, दिलकशी और नायाबी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वो बड़े स्वभाव से इजहार मोहब्बत कर रही थी। आंसुओं से लबरेज निगाहें उठाते हुए शिफ्तल ने उसकी सिमत देखा। कुछ लम्हे यूं ही बेख्याली में तकती रही, फिर आंसुओं को पलकों की बाढ़ के पीछे धकेल कर बड़ी कोशिश के बाद मुस्कुराई, जैसे अचानक रिमझिम बरसात में धूप निकल आए, और फिर सर हिलाकर रबिया के हाथ पर हाथ रखकर थपथपाने लगी। सुनिए, वो आपसे एक बात करनी थी। उसे रात रबिया बेड पर नीम दराज टीपू के पहलू में टिककर बड़ी मोहतात अंदाज में कह रही थी। टीपू ने आहिस्तगी से नज़र उठाकर उसकी सिमत देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर इसका मोमी हाथ थाम लिया। तो क्या हमारे दरमियान पर्दा है? अब तो तमाम हिजाब दूर हो चुके हैं ना। बल्कि यार, हम तो अव्वल रोज़ से ही मुश्ताक हैं आपके मुँह से झड़ते फूल को चुनने के लिए। कहिए, और बेशक सारी रात सारी उम्र कहिए, हम जब तक दम में दम हैं सुनते जाएंगे। मौत आ गई तो मलिकुल मौत से इजाज़त पाकर टेप रिकॉर्ड रखवा जाएंगे आपके पास। ओफो, बात खींच कर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आप तो। अब तो सारे अफसाने सारी दास्तानें एक ही वजूद तक रसाई पाती हैं। एक वारफ्ता नज़र इस पर डालकर टीपू ने ऐसी असखुद वारफ्तगी में धीरे से उसे अपने करीब घेर लिया। मुझे दरअसल शिफ्तल जी के मुतालिक बात करनी थी, लेकिन डरती हूँ कहीं आपको बुरी ना लग जाए। असूलन तो अम्मी से करनी चाहिए थी, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। छोटा मुँह और बड़ी बात, बल्कि बहुत बड़ी बात का मामला है। वो सहज सहज अपने मुद्दे के लिए माहौल इस्तेवाल करने लगी। तुम अब हमारी फैमिली का एक फ़र्द हो, हमारे अपनों में से हो, और तुम्हें पूरा हक हासिल है हमारे हर मामले हर मसले पर राय देने और उसे सुलझाने का। टीपू ने अमलन उसे अपने अपनायत और कुर्बत का यकीन दिलाया। शिफ्तल जी की इद्दत पूरी हो चुकी है, पापा और अम्मी उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। रबिया को कुछ तसल्ली हुई टीपू के रवैये से, तो खुलकर धीमे से कहने लगी, इस सिलसिले में अगर कोई प्रपोज़ल पेश करूं तो क्या आप कबूल करेंगे? उसने बहुत झिझक कर धड़कते दिल से कहकर उसकी सूरत देखी। टीपू के चेहरे पर तहरीर सख्त हो गया। वाई नॉट यार, मगर तुम किसका प्रपोज़ल पेश करोगी और इतनी जल्दी? तुम्हें ख्याल कैसे आ गया? वो हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। सामने की बात है, अगर आप समझें तो। रबिया ने इसके गिरेबान के बटनों से खेलते हुए एक लहजे को इसकी सूरत देखी। मेरा बहुत ही करीबी, बहुत खूनी रिश्ता, वो कहकर रुकी। टीपू एकदम नज़रें घुमाकर ठटक कर उसे घूरने लगा। क्यों? अगर आपको मेरी बात मेरी जसारत नागवार गुजरी तो? दिल ही दिल में सहम कर उसने डरते हुए कहा। टीपू गहरी सांस लेकर उठ बैठा और पुरख्याल नज़रों से इसकी सिमत देखने लगा। रबिया एक तलाक़ी याफ्ता बहन का घर बसाने के लिए भाई हर ज़ात रंगो नस्ल और उम्र के सवालियों को खुश आमदीद कहने पर मजबूर होता है। इसमें नागवारी या खफकी का कहीं से कोई पहलू नहीं निकलता। वो बहुत मुलायमत और बहुत रवानी से कह रहा था। हकीकतन उसे रबिया की सादा फितरत उसकी मासूम ख्याली पर टूट कर प्यार आया था। खामोश इसलिए हुआ हूँ कि तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे लिए कतई गैर मुतवक्के था। दूसरी सबसे अहम बात यह कि आया इसमें बख्त भाई की दिली रजामंदी शामिल है? क्या वह ऐसा चाहते हैं या महज तुम्हारी ख्वाहिश है? इसके लिए तो रबिया का यह पैगाम गोया बहारों का हसीन संदेशा था। शाबख्त जैसा बुर्दबार बाशऊर हलीमुत्तबा बावकार अंदाज और सच का मालिक शख्स अपनी मुस्तहकम माशी पोजीशन समेत शिफ्तल के लिए मौजूद तरीन बंदा था। सही मायनों में इसके मिजाज और फितरत से हम आहंग। रबिया ने इस सवाल पर मुतसबसब निगाहों से उसकी तरफ देखा।
वो दरअसल बात ये है कि वो हिचकिचा के एक लम्हे को रुकी। पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि ताई की तरफ से सिलसिला शुरू होने से भी पहले बख्त भाई भी मुझे आपकी तरफ भेजना चाहते थे, मगर शायद वह मुकद्दर के सिकंदर नहीं थे। हमें कुछ देर हो गई ये बात छेड़ने में, और तब तक शिफ्तल जी को कोई और जीत चुका था। बहरहाल 2 सालों के इस गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, वो आज भी अवली नयाम के जज्बात के हमराह शिफ्तल जी को अपने घर का उजाला बनाना चाहते हैं। इनकी मर्ज़ी ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लहजे में यकीन बोल रहा था। अम्मी और पापा को ये बात पता चली तो बेख्तियार सरबसुजूद हो गए। इतना अच्छा, इतना नेक, ऐसा आली ज़र्फ दामाद मिल रहा था उन्हें, उनके सर से तो जैसे भारी चट्टान से रख गई थी। शिफ्तल के सामने किस्सा खुला तो इसने साफ इनकार कर दिया। अम्मी, आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि बेजोड़ रिश्तों से कभी हसब तमन्ना नतज बरामद नहीं होते? आप फिर इसी गलती का अदा कर रही हैं। खुदा के लिए अब मुझे बख्श दें, आप निर्मल की फ़िक्र करें, उसने जैसे बहुत बुरा मान के कहा था। शिफ्तल जी, खुद ही हमें बावर कराती हैं आपके रिवायती लड़कियों की तरह एहसास जुर्म और बेबसी का शिकार नहीं है, इस सांचे पर खुद ही फिर इसी रिवायती तर्ज की ज़िद पर अड़ी हुई हैं। दूसरी शादी कहाँ से अनहोनी हो गई? रबिया इसका मिजाज समझ गई थी, इसीलिए उसकी जहनी सोच को मद्देनजर रखते हुए इसने अपनी तरफ से गोया कारीवार किया था। मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इसके लहजे में ठहराव पैदा हो गया, मगर एक तो इतनी जल्दी, कुदरती बात है मैं जहनी तौर पर ख़ुद को आमादा नहीं कर सकती, और दूसरी बड़ी और काबिल एतराज़ बात यह है कि रिश्ता मुझे कतई कबूल नहीं, इसने दो टोक कहा। रबिया दिल ही दिल में अजहद परेशान हो गई। मगर क्यों बख्त भाई में क्या एतराज़ है आपको, वो बहुत बुरे हैं क्या? मुस्तरफ सा होकर इसने बेचैनी से अपनी उंगलियां मसलते हुए पूछा। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, शिफ्तल का लहजा धीमा पड़ गया, बल्कि मैं उनके लायक नहीं। वक़ार हुसैन से रिश्ता इसलिए बेजोड़ था कि वह जहनी तौर पर पसमानदा शख्स था, और तुम्हारे भाई से इसलिए कि हमारी ज़ाहरी कैफियात कतई मुख्तलिफ हैं। वो तो किसी भी बहुत अच्छी लड़की की पहली पसंद बन सकते हैं और इसका पूरा हक रखते हैं, मगर हकीकत यह है कि मेरी जैसी औरत के लिए किसी ठुकराए हुए या भुगताए हुए यानी रंडवे बंदे का रिश्ता ही मौजू हो सकता है, और यही लाया अमल मुनासिब तरीन होगा, इसने बड़े बेरहम और सफ़ाकाना अंदाज में फराख दिली से सच्चाई अफशा की थी। बाकी आइंदा, अगली किस्त आखिरी किस्त होगी, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको ये नॉवल का ये वाला पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।